हाय गाइस, दिस इज जेआर एंड यू आर वाचिंग वर्क एट आवर जॉब हेल्पफुल। गाइस, आपके लिए एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जॉब, ये फील्ड वर्क वालों के लिए जो फील्ड वर्क करना चाहते हैं उनके लिए, मेल और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों के लिए ये जॉब है। जॉब है सिक्योरिटी ऑफिस में, आपको मार्केटिंग करना, मार्केटिंग का जॉब है इसमें। इसमें एक्सपीरियंस लेवल कुछ भी नहीं चलता, आपको अगर एक्सपीरियंस लेवल है या नहीं है तो भी चलता है इसमें। काम क्या रहता है कि कंपनी को लीड जनरेट करके देना है। लीड जनरेट करके बोले तो जो मार्केट का बंदा काम किया हुआ है उनको ऑलरेडी पता रहता है कि मार्केटिंग में जो लीड जनरेट कैसे होती है। अगर आप फ्रेशर है तो भी कोई बात नहीं, कंपनी आपको जो है ट्रेनिंग देती है 15 से 20 दिन का। तो गाइस, मार्केट वालों के लिए ये जॉब है, मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है ये। और कंपनी सिक्योरिटी कंपनी के लिए आपको मार्केटिंग करनी है। अब सिक्योरिटी कंपनी के लिए मार्केटिंग कहाँ करनी है तो वो आप एक बार ऑफिस विजिट करेंगे तो आपको जो क्लियरली उसमें जो है बता दिया जाता है। और जो ऑलरेडी मार्केटिंग कर रहे हैं उन बंदों को पता है कि जहाँ बड़े बड़े अपार्टमेंट हुए, जहाँ डेवलपर्स हुए, जहाँ सुपर मार्केट हुआ, वहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स हुआ, वहाँ वहाँ जाके कंपनी को अप्रोच करना रहता है, कंपनी के बारे में बताना रहता है और वो कॉन्टेक्ट नंबर लेके जो है ऑफिस में सबमिट करना रहता है। फिर ऑफिस का बंदा जाता है वहाँ पे, विजिट करता है अपॉइंटमेंट लेके और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लिया जाता है। तो इस तरह से लीड जनरेट होता है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेट करना है। बोले तो कि आप फील्ड में जाएंगे, वहां से क्लाइंट का जो है डाटा कलेक्ट करेंगे और एक अपॉइंटमेंट फिक्स करवाएंगे। ऑफिस का बंदा वहां जाएगा, उस अपॉइंटमेंट जो है उससे मिलेगा, बात करेगा। अब वो कैंसिल करे या फिर ओके करे वो उस बंदे के ऊपर है, ऑफिस वाले बंदे के ऊपर। आपको काम इतना ही है कि वो एक लीड जनरेट करके ऑफिस को देना है। महीने का जो है स्टार्टिंग टारगेट रहता है आपका 3 से 4 अपार्टमेंट या 3 से 4 कॉन्ट्रैक्ट लाके देना उनको। ये जो है महीने का उनका आपका टारगेट रहता है। लेकिन स्टार्टिंग में जो है आपको कंपनी ही जो है अपॉइंटमेंट देती है, मतलब स्टार्टिंग जो है आपको कंपनी ही जो लीड देती है कि एक्स वाई जेड जगह जाना है, ऐसा है, वो है, जो भी एक्स वाई जेड है, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, वो उस बंदे से मिलना है। तो स्टार्टिंग में आपको जो 15 से 20 दिन जो है आपको कंपनी अपनी तरफ से लीड देती है। फिर आपके अकॉर्डिंग जैसा आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे जो है आपको कंपनी को जो है आगे बढ़ाना है और ग्रोथ करना रहता है। इसमें रहता है कि 18,000 सैलरी स्टार्टिंग रहती है। स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ मैं, शुरुआत में जब आप लग गए हैं तो उस समय की सैलरी आपको 18,000 रुपये दी जाती है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी फील्ड वर्क का नॉलेज है तो, अगर आपको फील्ड वर्क का नॉलेज नहीं है तो कंपनी आपको 12 से लगाकर 15,000 की सैलरी प्रोवाइड करती है। डिपेंड आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। आप एक बार जो है रिज्यूम लेके ऑफिस विजिट कीजिए, आपका इंटरव्यू होगा, वो इंटरव्यू में आपकी जो है सैलरी डिसाइड होती है। अगर आप फ्रेशर है, मेल हो या फीमेल कैंडिडेट्स, हिंदी वाले या कनाडा वाले या फिर कोई भी लैंग्वेज वाले, इसमें चलता है। अगर आप फ्रेशर है तो आपकी सैलरी 12 से 15,000 के बीच में रही जाती है। अगर आप थोड़े बहुत एक्सपीरियंस है, 5 महीना 6 महीना फील्ड वर्क के मामले में, तो आपकी सैलरी जो है 15 से 18,000 के बीच में रखी जाती है। और अगर आपको जो है और भी अच्छी एक्सपीरियंस है, लाइक 2 साल 3 साल, तो आपकी सैलरी 18 से 20,000 रखी जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपके ऊपर, आपको कितना जो है उसमें एक्सपीरियंस है फील्ड वर्क में। तो गाइस, ये जॉब सिक्योरिटी ऑफिस का लीड जनरेट करने का है, मार्केट में मार्केटिंग करने का ये जॉब है। परमानेंट जॉब है, अच्छा जॉब है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर एक बंदे के लिए। हर एक बंदा अपनी किस्मत आजमा सकता है, हर एक बंदा ट्राई कर सकता है। हाँ, ऐसा नहीं कि जो है अनपढ़ बंदा भी जो है लाइक जो है पैकिंग पैकर्स वाला कॉल करे, सर ये मैं ये जॉब करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें सैलरी ज़्यादा रहती ना। तो गाइज, उन लोगों के लिए नहीं है जो थोड़ा बहुत जो है नॉलेज रखता हो फील्ड का, और जो थोड़ा बहुत अकाउंट का नॉलेज रखता हो, जो थोड़ा बहुत जो है एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह चलाना चाहता हो, हल्का सा हिंदी और इंग्लिश जो थोड़ा नॉलेज हो उसको, वो लड़का और लड़की कॉल कर सकता है, रिज्यूम भेज सकता है, हमारे ऑफिस विजिट कर सकता है। टाइमिंग इसमें जो है 8 घंटा ड्यूटी रहती है। सुबह आप जो है ऑफिस पहुंचिए, स्टार्टिंग में 15 दिन आपको जो है ऑफिस विजिट करना रहेगा, आफ्टर देन 15 दिन के बाद आप डायरेक्ट घर से, अपने घर से जो है आप क्लाइंट के पास जा सकते हैं। तो अपने घर से जो है डायरेक्ट आप क्लाइंट से विजिट कीजिए। आफ्टर देन ऑफ मार्केट में क्या होता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा शाम के 5 बजे 4 बजे तक लास्ट मार्केट में रहिए। आफ्टर देन वापस जो है आप ऑफिस विजिट कीजिए कि दिन भर में सर मैंने ऐसा किया, वो उस विजिट किया, वहाँ वो विजिट किया और ये मुझे फीडबैक मिला।
तो वो सारा का सारा आपको फीडबैक ऑफिस में आके देना पड़ता, सबमिट करवाना पड़ता कि आप दिन भर क्या कर रहे थे। तो गाइस 8 घंटा ड्यूटी रहता है, संडे संडे इसमें छुट्टी रहती है, वीक ऑफ रहती है, और अच्छी ग्रोथ रहती है इसमें, अच्छा प्रमोशन रहता है। सैलरी मैंने जो है एक एक कैटेगरी की एक एक एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दिया आपको। फिर भी अगर आपको डाउट है और आपको जो अच्छा एक्सपीरियंस है 6 या 7 साल का और भी, तो आपकी सैलरी और भी अच्छी चली जाती है, जिसकी सैलरी जो है 20 से ऊपर 25-22 तक भी चली जाती है इसमें सैलरी। वही मैं बोल रहा हूँ कि डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। इसमें जो है एज लिमिट कोई भी मायने नहीं रखती, आप अगर 40 साल के हैं तो भी चलता है, 45 ईयर्स के हैं तो भी चलता है, और आप 19-20 साल के हैं तो भी चलता है, लेकिन 18 से ऊपर होना चाहिए, और मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए ही है। तो फ्रेंड्स आपके लिए एक और अच्छी जॉब और अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जॉब। फ्रेंड्स जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि नई नई जॉब्स की अपडेट आप तक जल्दी पहुंचे, और वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ में और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में, ताकि उनको हेल्प मिल सके काम के बारे में। और कुछ भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, बाकी जो है ये नंबर दिया हुआ उस नंबर पर आप कॉल कर से पूछ सकते हैं डिटेल के बारे में। गाइज एक और बात कि जो जॉब का डिटेल दिया जाता है वो सीरियस कैंडिडेट उसी जॉब का इंक्वायरी करें, दूसरी जॉब की इंक्वायरी नहीं करें। हम लोगों के पास अभी ये जॉब चल रही है, आप इस जॉब के बारे में इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उसी जॉब के बारे में इंक्वायरी करें। फॉर एग्जांपल आप किसी जॉब का इंक्वायरी करना चाहते हैं तो उस जॉब का पूरा डिटेल्स दें, नहीं तो क्या होता कि कॉल आता है, भैया हम लोगों के पास वो जॉब नहीं है, वो फूल हो गया, तो बोल रहे हैं कि आपके पास सर अभी कौन सा जॉब है, तो वो हम पूरी डिटेल्स आपको नहीं दे पाते, क्योंकि एक जॉब कंपलसरी नहीं चलती रहती है, जॉब्स आती रहती है जाती रहती है, फील होती रहती है, लड़का लोग आता रहता है जाता रहता है, तो वो जॉब्स जो है रहती है परमानेंट, कुछ ऐसी जॉब रहती है जो चलती रहती है, लेकिन कुछ जॉब ऐसी भी रहती है जो टेम्परेरी बेस रहती है और जल्दी फील हो जाती है, तो पूरी डिटेल्स हम आपको नहीं दे पाते। तो गाइस रिक्वेस्ट है आपसे कि एक बार पहला पूरा वीडियो देखें, उसका पूरा डिटेल्स देखें, उसमें क्या मेंशन किया हुआ क्या नहीं किया हुआ है, आफ्टर देन उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप कॉल करें मुझे, या फिर अपना रेज्यूम भेजें, या फिर मैसेज करें। और एक बात कि आप कभी भी जो है 4 बजे के बाद कॉल नहीं करें गाइस, अगर आपको कॉल करना है तो सुबह 9 बजे से लगाकर शाम के 4 बजे तक हम आपके लिए फ्री रहते हैं, कभी भी कॉल कर सकते हैं। 4 बजे के बाद आप रात के 11 बजे तक आराम से मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, हम चैट करने के लिए आपके पास एनी टाइम अवेलेबल रहते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल पे नहीं रहते, क्योंकि हम लोगों का दूसरा भी काम रहता है, जो कैंडिडेट्स आते हैं उनको ड्यूटी पे लगाना रहता है, जो कैंडिडेट्स आते हैं उनका डॉक्यूमेंट्स फिल करना रहता है, बहुत सारे ऐसे काम रहता है जो 4 बजे के लगाकर 6-7 बजे तक हम लोगों को वो फिल करना पड़ता है। उससे क्या रहता है कि आपकी जो बीच में कॉल्स आती है उसको हमको डिस्टर्ब हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं नहीं तो फिर आपकी कॉल जो है डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखें और रात के 11-12 बजे कभी भी कॉल नहीं करें। हम लोगों की भी फैमिली है, हम भी उन लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें। जो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो कॉल करें, व्हाट्सएप अपना रिज्यूम शेयर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छी और जॉब के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।